नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल यूके ब्लॉगर संजू पर। तो साथियों गुड मॉर्निंग, और सुबह का 6 बजा हुआ है। अभी मैं गया हूँ धारी में, और आज शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग और नया दिन और कुछ खास लेकर आपके लिए। तो साथियों प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए। तो देख सकते हैं साथियों अभी मौसम का मिजाज कुछ इस तरह से यहाँ पे है, और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप सभी को दिखाया था कि यहाँ पे जंगलों में आग अभी लगी हुई है चारों तरफ, और मौसम आप देख सकते हैं मेरे पीछे से अटको यहाँ पे, तो यहाँ पे मौसम जो है चारों तरफ धुंध लगा हुआ है। तो देख सकते हैं अभी मैं गया हूँ धारे। तो साथ ही प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, और मैं आप सभी को दिखाऊँगा कि यहाँ पे धारा, हमारे यहाँ का गाँव का धारा किस प्रकार से है, और उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपने गाँव का धारा। तो साथियों देख सकते हैं मैं इस रास्ते से होते हुए धारे पर अभी पहुँचा हुआ हूँ। तो देख सकते हैं साथियों ये रास्ते के किनारे पे जो आप सभी को दिख रहा है ये कांटे जैसा, तो इसको रामबास यहाँ पर पहाड़ में बोला जाता है। और इस रामबास का प्रयोग बहुत सारे लोग और यहाँ पर रोजगार के तौर पर भी रस्सियाँ बनाने में इस रामबास का प्रयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं यह रामबास बहुत सारा उपयोगी उत्तराखंड पहाड़ के लिए है। और देख सकते हैं इस रास्ते से निकलते हुए मैं पहुंच चुका हूं धारे में। तो साथियों देखिए जो यहां से जो मुख्य सड़क ये दिख रही है, यह सड़क हमारे मुआनी घाटी से निकलते हुए पिथौरागढ़ की मेन सड़क है। और देख सकते हैं साथियों कुछ इस प्रकार से यहाँ से यू टर्न होने के बाद यहाँ पर धारे का लोकेशन आप सभी को दिख रहा है। तो अब ले चलता हूँ आपको धारे में, तो बने रहिए। तो साथियों आप देख सकते हैं ये है मेरे गांव का अपना धारा जल स्रोत, और जो वर्षों से यहां पर चले आ रहे हैं, और मैं अभी यहां पर पानी भरने के लिए आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज यह जो धारा है और ये अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच लेकर आऊँ। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी गगरी लगाई हुई है, गगरी भर रही है, और देखिए कुछ इस प्रकार से आपका लोकेशन है, और यहाँ पर जो स्रोत है ऊपर से, यहाँ पे ऊपर से पानी इस स्रोत में आता है। तो देख सकते हैं साथियों प्लीज़ बने रहिए। और देखिए अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ घर को, और घर पर क्या काम चल रहा है तो ये सब इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करूँगा। तो प्लीज़ साथियों बने रहिए। तो साथियों पानी भी भर चुका है, अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ, और कुछ दूरी पर घर है, और मैं यहाँ से आपको रास्ते का लोकेशन दिखाते हुए निकलूँगा घर की तरफ। तो साथियों बने रहिए। तो साथियों मैं आ चुका हूँ घर पे, और मेरी बिटिया भी आज स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है। आज स्कूल पे इसको काफी दिनों बाद बुलाया गया है, फोन आया था कल स्कूल से। तो अभी कहाँ जा रहे हैं बेटा हम? स्कूल जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, देखिए उत्तराखंड में मैंने वहाँ पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, वहाँ पे गाय है, और यहाँ पे देखिए गोबर इस प्रकार से निकाला गया है, ये गोबर है, और इस प्रकार से गोबर, और देखिए और यहाँ पे बन रहा है खाना। तो दोस्तों देखिए मैं आप दिखाऊँगा खाना बनाते हुए, और यहाँ पे क्या काम चल रहा है सब देखते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं कहाँ? अपने स्कूल की तरफ। तो बने रहिए साथियों। तो देखिए यहाँ पे बन रहा है नाश्ता, और यहाँ पे देखिए आलू के परोठे बन चुके हैं, और देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति देखिए कुछ इस प्रकार से आग में खाना बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये आलू के परोठे, और यहाँ पे बना रहे हैं मम्मी खाना। तो पूछते हैं मम्मी से, मम्मी क्या बना रहे हो? ये आलू परोठे बन रही हूँ, मैं नाचन खा रही हूँ, स्कूल पढ़ा रहा होशियार वाला। और तो देख सकते हैं साथियों यहाँ पे बन रहा है नाश्ता, और उसके बाद अभी हम नाश्ता करेंगे फिर निकलेंगे कहाँ? मैं निकलूंगा मार्केट की तरफ, और बिटिया निकलेगी स्कूल की तरफ। तो बने रहिए साथियों। तो अब निकलते हैं मार्केट की तरफ, और यहाँ पे क्या चल रहा है देखते हैं। यहाँ पे चल रही है सफाई, देखिए यहाँ पे आंगन की सफाई चल रही है, और यहाँ पे झाड़ू लगाया जा रहा है। तो देखिए पूछते हैं क्या कर रहे हो अभी आप यहाँ पे? मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो साथियों देखिए मैं मार्केट में पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर हरी मिर्ची के पेड़ भी आए हुए हैं, और अन्य सब्जियाँ भी यहाँ पर दुकानदारों के द्वारा लगाई गई हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये हमारे अपने क्षेत्र का मार्केट है, और आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर अभी मॉर्निंग टाइम पर दुकानदार अभी घर से आए हुए हैं, दुकान खोल कर बैठ चुके हैं दुकानों में। तो साथियों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मैं चौराहे पर खड़ा हूँ, और चौराहे से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ के किनारे का लोकेशन भी कुछ इस प्रकार से है, और सभी लोग अभी मार्केट में आए हुए हैं, और देख सकते हैं साथियों और धनिया भी मार्केट पे आया हुआ है अभी, ये पहाड़ी धनिया है। तो देख सकते हैं अन्य सब्जियाँ भी यहाँ पर लगी हुई हैं, मतलब दुकानदारों ने बेचने के लिए लगा रखे हैं। तो साथियों अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज के लिए बाय। जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।